आईपीएल 2022 के सीजन में हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है और इस मेगा ऑक्शन से पहले लगातार सभी टीमों की तरफ से हमें कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आती हुई दिखाई देती रहती है। उसी तरह आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से हमें कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर आती हुई दिखाई दे रही है, जो की है डेथ ओवर बॉलिंग को लेकर, जो की पंजाब की टीम की हमेशा समस्या रही है। तो मेगा ऑक्शन में बहुत सारे बड़े बॉलर आएंगे, उनमें से कौन सा बॉलर पंजाब की टीम खरीदना चाहेगी और उस बॉलर का स्टैट्स क्या है आईपीएल में, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हम बात करते हैं सबसे पहले पंजाब की टीम के लिए हमें सबसे पहला बड़ा खिलाड़ी जो देखने को मिलेगा वो होने वाला है जोफ्रा आर्चर, क्योंकि जोफ्रा आर्चर हमें मेगा ऑक्शन में देखने को मिलने वाले हैं और मेगा ऑक्शन में हमें ये खिलाड़ी 15 से 16 करोड़ में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बहुत सारी टीमों के पास दोस्तों ऐसा खिलाड़ी जो कि 150 की स्पीड से गेंदबाजी भी कर सकता है डेथ ओवर में और स्टार्टिंग के ओवर में, और उसके साथ साथ बल्लेबाजी में भी नंबर 7 और 8 पर आके लंबे लंबे हिट लगा सकता है। तो ये खिलाड़ी दोस्तों हमें 15 से 16 करोड़ में पक्का जाते हुए दिखाई देगा और ये मेगा ऑक्शन में आने वाले हैं, ये भी कंफर्म लगभग तय हो चुका है। और इस खिलाड़ी के हम स्टैट्स की बात करते हैं, जो कि आईपीएल 2020 में इनका स्टैट्स रहा है। आईपीएल 2021 में इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, लेकिन आईपीएल 2020 में इन्होंने लगातार 14 मैचेस खेले हैं और 20 विकेट 14 मैचेस में हासिल किए हैं, जिसमें से 6.55 की इकोनॉमी थी इनकी। तो ये बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हो जाएगा पंजाब की टीम के लिए, इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है और लगातार ये बैटिंग भी करके दे सकते हैं पंजाब की टीम के लिए और बॉलिंग भी डेथ ओवर में भी करा के दे सकते हैं। जिस तरह से आईपीएल 2021 के ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने 14 करोड़ में जाय रिचर्डसन और 8 करोड़ में रायले मेडेथ को लिया था अपनी टीम में और दोनों खिलाड़ी कुछ भी करके नहीं दिखा पाए पंजाब की टीम के लिए, तो कुछ ऐसी गलती नहीं करनी होगी पंजाब की टीम को। किसी बड़े खिलाड़ी पे, किसी अच्छे खिलाड़ी पे वही लगानी पड़ेगी पंजाब की टीम को। दो खिलाड़ी हो सकता है जोफ्रा आर्चर, सभी टीमें इनके ऊपर वही लगाना चाहेंगी। और हम बात करते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी की जो कि पंजाब की टीम में शामिल हो सकता है, वो खिलाड़ी है दोस्तों मिचेल स्टार्क। ये खिलाड़ी भी लगभग सभी टीमों को चाहिए रहेगा, क्योंकि ये गेंदबाजी में बहुत ही अच्छे कारनामे कर सकते हैं डेथ ओवर में भी और स्टार्टिंग के ओवर्स में भी, और लगभग ये बहुत समय से आईपीएल नहीं खेले, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के बाद ये आईपीएल हमें खेलते हुए नजर आएंगे और ये पंजाब की टीम में आता हुआ नजर आ सकता है। अगर जोफ्रा आर्चर नहीं मिलते हैं तो मिचेल स्टार्क पंजाब की टीम में आते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि इनका T20 स्टैट्स बहुत ही अच्छा है दोस्तों। 41 मैच में 51 विकेट, जिसमें 7.23 की इकोनॉमी है इनकी, तो इकोनॉमी लगभग 7 की है और ये इकोनॉमी बहुत ही अच्छी मानी जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये खिलाड़ी भी बहुत ही अच्छा रहेगा पंजाब की टीम के लिए। अगर पंजाब की टीम जोफ्रा आर्चर के ऊपर बोली लगाकर उनको खरीद ना पाई तो ये खिलाड़ी बहुत ही अच्छा हो जाएगा पंजाब की टीम के लिए। बात करते हैं तीसरे बड़े खिलाड़ी की जो कि पंजाब की टीम में शामिल हो सकता है, उस खिलाड़ी का नाम है पैट कमिंस। दोस्तों पैट कमिंस 7 मैचेस खेले हैं आईपीएल 2021 के सीजन में इन्होंने, और ये सिर्फ इंडिया में खेले थे, यूएई लीग में ये शामिल नहीं थे। इनकी जगह पर टीम सऊदी को केकेआर टीम में लाना पड़ा था। तो ये खिलाड़ी भी बहुत ही अच्छा रहेगा पंजाब की टीम के लिए, लेकिन इनका स्टैट इतना अच्छा नहीं है दोस्तों। इन्होंने 7 मैचेस खेले हैं जिसमें से इन्होंने 9 विकेट हासिल किए हैं। इकोनॉमी बहुत ही खराब है इनकी, लगभग 9 की इकोनॉमी है। तो ये खिलाड़ी दोस्तों बहुत ही कम टीमों को चाहिए रहेगा, लेकिन ये बैटिंग भी करके दे सकते हैं, तो ये भी 10 करोड़ से कम में बिकने वाले नहीं है। और इस खिलाड़ी के पीछे पंजाब की टीम हमें जाते हुए नजर आ सकती है। अगर ये खिलाड़ी मिलता तो कगिसो रबाडा है, जो कि पंजाब की टीम उनके ऊपर भी दाव लगा सकती है, क्योंकि अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम हेटमायर को साथ साथ एनर्स नोकिया को रिटेन करती है तो कहीं ना कहीं कगिसो रबाडा को तो रिलीज करना ही होगा और मेगा ऑक्शन में देखने को मिलने वाले हैं और बड़े प्राइस में हमें किसी भी टीम में जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये खिलाड़ी थे पंजाब की टीम के लिए जो कि बॉलर्स के तौर पर देखे जाते हैं, सबसे टारगेटेड प्लेयर्स यही थे। तो ऐसी खबरों के लिए दोस्तों जो कि पंजाब की टीम के लिए निकल कर आती रहती है, उन सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।